ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का अगला टॉपिक है नेचुरल साइन। आप नेचुरल साइन में साइन की कुछ वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, जैसे अगर आपसे पूछूं साइन 30 कितना होता है तो आपको मालूम है, ठीक है। साइन 45 आपको पता होगा, साइन 60 पता होगा, साइन 90 पता होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी, लेकिन अगर इनके अलावा वैल्यूज आती है तो फिर कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 30 तो आपको पता है कितना होता है, 1/2। 1/2 मतलब टेबल में 0.5 दिखाई देगा आपने को, क्या मिलेगा, 0.5। अच्छा 35 डिग्री 20 मिनट ऐसे करके दिया हुआ है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को जो है ना ये नहीं पता हो कि 20 डैश क्या है, 20 मिनट बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं हम लोग, फिर बाद में मैं यहाँ शुरू करता हूँ। तो जिस तरीके से टाइम आपको पता है 1 आवर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, वैसे ही 1 डिग्री 60 मिनट होता है। 1 डिग्री जैसे 1 घंटा कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, वैसे एंगल में याद रखिए कि 1 डिग्री 60 मिनट को सिंगल डैश से बताते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 60, तो हम लोग लिखेंगे 1 मिनट। अभी फिलहाल मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, लेकिन हम लोग कर लेते हैं इसको क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में काम आने वाला है। 1 मिनट मतलब कितना होता है, 60 सेकेंड के लिए डबल डैश लिखते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर साइड में, आप यहीं पर ये जो टॉपिक चल रहा है उधर साइड में नोट करके रखिए, ठीक है। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री यानी 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकेंड। यहां से आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं पूछूं 1 मिनट मतलब कितना कितना डिग्री होगा, हाँ 1 मिनट यानी कितना डिग्री, वेरी गुड, 1/60। अब ये कुछ लोगों को समझा नहीं होगा कैसे, ये देखो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, सही है। अच्छा 60 मिनट मतलब 1 मिनट का 60 टाइम्स, 60 मिनट मतलब क्या, 1 मिनट का 60 टाइम्स। तो मैं इसको 60 मिनट को 60 × 1 मिनट लिख सकता हूं, ठीक है। 60 को यहां भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा, तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट क्या हो गया, 1/60 डिग्री हो गया, नहीं समझे। अच्छा ऐसे ही अगर यहां पूछूं मैं कि जैसे 1 मिनट यानी 60 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड कितना मिनट होगा, 1/60 होगा, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ब्रेक करके हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा उल्टा रिलेशन, ये भी अपने को फिजिक्स में काम आने वाला है। हाँ 1 मिनट मतलब, और 1 सेकेंड यानी 1/60 मिनट, ठीक है, इसको भी लिख के रखिए, साइड में नोट करके रखना है, ऊपर कहीं पर स्पेस होगा ना वहां लिख के रखो। तो ये चार चीजें आपको पता होना चाहिए इनका उल्टा। ठीक है, अभी आप लोग क्या करो, आप अपने लॉग बुक के अंदर ऊपर हेडिंग ढूंढेंगे नेचुरल साइन, लॉग बुक में नेचुरल साइन लिखा होगा, देखो एक लॉगरिथमिक साइन है वो नहीं देखना है आपको, नेचुरल साइन देखना है, मिल गया। लॉग की तरह ही पूरा टेबल है, ठीक है। बस फर्स्ट कॉलम में देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है, डिग्रीज गिवन है, देख लो कहां से शुरू हो रहा है डिग्री, है ना, मिल गया। अच्छा चलिए आप क्या करना है सुनो, बहुत ही सिंपल है, जैसे लॉग का टेबल देखा देखा करते थे हम लोग, वैसे ही इसको भी देखना है, वैसे इसको भी देखना है, बस ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री स्केल ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम में 30 डिग्री ढूंढिए, मिल गया। अच्छा 30 डिग्री में, अच्छा मिडिल कॉलम में देखोगे तो मिनट्स सिंगल डैश लिखा है, जरा चेक करना, उसका कन्वर्जन भी दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, ऊपर देखो ना मिडिल कॉलम में क्या लिखा हुआ है,
जीरो मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, ऐसे छः छः करके देखो पूरा 54। फिर उसके बाद मीन डिफरेंस में भी मिनट लिखा हुआ है, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे 5 मिनट तक दिया हुआ है। नहीं समझे? 54 और 5 मिनट कितना? 59 मिनट तक हो गया, क्योंकि 60 मिनट होगा तो फिर से एक डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो 59 तक दे रहा है अपने को। नहीं समझे? तो टेबल में आपको कोई भी डिग्री होगा और लास्ट टू लास्ट हम लोग कितना देख सकते हैं, 59 मिनट तक देख सकते हैं। अब मैंने 59 से ज़्यादा भी दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स में, तो उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, वैसे भी एग्जाम्पल्स मैंने दिया हुआ है। तो टेबल में मिनट्स हम लोग कहाँ तक मैक्सिमम देख सकते हैं? 59 तक देख सकते हैं। उसके 59 से ज़्यादा रहा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में नहीं ढूंढ सकता, तो 60 मिनट 1 डिग्री होता है, तो इसको 1 डिग्री बना के इसमें ऐड कर देंगे, 56 डिग्री, और वो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 57 डिग्री, तो डायरेक्ट 57 डिग्री देखेंगे। अच्छा, मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब मिनट कितना है? 0 मिनट है। कितना मिनट है? नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब 0 मिनट है। तो आप सिंपली 30 डिग्री का 0 मिनट में देखोगे, मिडल कॉलम में देखो, मिडल वाले में फर्स्ट क्या है, 0 ही तो है। ओके, तो 30 के सामने कितना दिखाई दे रहा है उसी की लाइन में, तो 0.5 और उसके बाद 000। 0.0.5 क्या है ये? व्हाट इज दिस? 1/2। तो आपने पढ़ा भी तो है, sin 30 कितना होता है? 1/2। अभी मैं नोन टू अननोन जा रहा हूं, जो आपको पता है ऑलरेडी, मतलब ये टेबल सही वैल्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो sin 30 1/2 होता है, 0.5 आ रहा है, बात सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा, 35 डिग्री ढूंढिए, 35 डिग्री ढूंढिए, मिला उसकी लाइन, मिल गई। तो आपको यहां पर फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम के अंदर 35 डिग्री दिख रहा होगा। ठीक है? अच्छा, मुझे बच्चों कितना मिनट चाहिए? 20 मिनट चाहिए। क्या 20 मिनट डायरेक्ट मिल रहा है मुझे मिडिल कॉलम में? नहीं। कितना मिल रहा है उससे कम? ओके, 18 मिल रहा है। तो 18 मिनट के नीचे आप देखो कितना नंबर है, 58, 5779। ओके, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, 18 में और कितना मिलाऊंगा तो 20 होगा, तो मीन डिफरेंस में चले जाना, वहां पर आपको 2 मिनट दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे आ जाओ, कितना नंबर है? 5 है। तो 5 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 5784 हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इस लाइन में ना जो 0 के नीचे पहला नंबर होगा वो कैसा है? 0 पॉइंट में लिखा हुआ है ना, कैसा लिखा है जरा चेक करना, पॉइंट लिखा हुआ है इसके पहले, मतलब इसके पहले भी पॉइंट आएगा। तो इनके सारे वैल्यूज में ना, साइन और कॉस में बात करूंगा, पॉइंट रहेगा पहले। क्या रहेगा? पॉइंट। यानी आंसर आपका आया 0.5784। साइन और कोसाइन की वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड करेगी नहीं, तो कभी भी ये 1 पॉइंट नहीं हो सकता। आप कभी गलती से 5 पॉइंट कर दोगे, बोले लेफ्ट साइड से पहले के बाद डाल देते, वो लॉक में कहानी चलती थी। तो साइन और कोसाइन में याद रखे, हमेशा 0 पॉइंट में ही आएगा आंसर। कैसा आएगा भाई? 0 पॉइंट में ही आने वाला है। हाँ, आप साइन 90 देखोगे तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 से एक्सीड नहीं कर सकते। मैथ्स में भी आप लोग सीखोगे कि इसकी वैल्यू जो है +1 से -1 के बीच में होती है, इसी में साइन और कॉस दोनों। ठीक है? तो ये क्या आंसर समझ आया कैसे लिखा हमने? ओके, तो बहुत आसान है ये, तो आप लॉग एक बार सीख गए ना, टेबल रीड करना तो लगभग वैसे ही रहता है। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं। अब मेरे पास है 46 डिग्री और 55 मिनट। फर्स्ट कॉलम में बच्चों मैं क्या ढूंढूंगा? 46 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे आप स्केल रख दीजिए। अच्छा, मुझे कितना मिनट चाहिए? 55। अब आपको 55 क्या मिडिल कॉलम में डायरेक्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इससे कम कोई नंबर मिल रहा है? 54। जस्ट कम देखने का, जस्ट बिलो। कम तो बहुत सारे नंबर है, जस्ट बिलो कौन सा है? 54 है। तो आप क्या करोगे, 54 के नीचे चले जाओगे और वो नंबर नोट करोगे। कितना नंबर है बच्चों ये? 7379।
02। अच्छा 55 बनाने के लिए और कितना मिनट चाहिए मुझे? 1। तो आप मेन डिफरेंस में जाओगे, वहां पर आप 1 मिनट के नीचे आ जाओ, 2 लिखा हुआ है। अब इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7304। और पॉइंट कहाँ होगा? हाँ सबसे पहले ये कैसे पता चलता है मालूम है? इस लाइन में फर्स्ट वाले को देख लेने का, कैसा लिखा हुआ है इस पूरी लाइन में, ठीक है? तो वो 0 पॉइंट से है या पॉइंट लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो मतलब समझ जाने का आगे के सारे नंबर के पहले पॉइंट है, ठीक है? ऐसे ही आप जब टेंजेंट देखोगे ना, टेन वाला देखोगे, तो कहीं कहीं पर पहले कॉलम में 1 पॉइंट होगा, कहीं पर 2 पॉइंट होगा, तो आपको वो कैसे डिसाइड करना है? फर्स्ट वाले को देख के डिसाइड करना है। ओके बच्चों, तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया? 7304, और यहां पर पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट हो गया आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आसान चल रहा है? अच्छा इधर देखो, यही सब छोटी मोटी चीज है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो ये सब चीज आती रहेगी, तो क्विकली आंसर आ जाएगा, टेबल आपको यूज करना होता है। अच्छा ये वाले में मैंने क्या बताया? 60 मिनट है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा, यानी इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग ऐसे। मिनट कितना है? मिनट कितना है? मिनट 0 मिनट हो गया ना, अभी 57 डिग्री और 0 मिनट हो गया। अब मतलब डायरेक्टली आप क्या देखोगे? आप 57 डिग्री और 0 में, 57 डिग्री कितना आ रहा आंसर? तो 0.8387। कहानी खत्म हो गई, ठीक है? नेक्स्ट 72 डिग्री 65 मिनट। अच्छा 65 अगेन 60 के ऊपर चला गया, क्या करेंगे? इसमें से भी 60 मिनट निकालूंगा और डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ओके तो ये हो गया 73 डिग्री, और 60 इधर दे दिया तो 5 मिनट बच गया ना। आप कोई दिक्कत होगी इसको? नहीं। अच्छा आप सुनिए, आप देखोगे 73 डिग्री है ना, और उसके बाद डायरेक्टली कितना है? क्या मुझे मिडिल कॉलम में 5 मिनट डायरेक्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आप पहले 0 में देख लोगे और फिर मीन डिफरेंस में 5 मिलेगा। 0 देखना पड़ेगा इसके अंदर पहले आपको। हाँ तो 0 मिनट में कितना है? ठीक है, तो मेरे यहां पर 73 डिग्री में 5 मिनट, क्योंकि ढूंढना, तो 5 मिनट में डायरेक्ट मत जाना, नहीं तो सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, है ना? तो आप क्या करोगे, पहले 0 मिनट में देखोगे 4 डिजिट का नंबर कितना मिल रहा है, 9563, तो ये मिला, और उसके बाद 5 मिनट मेन डिफरेंस में देखोगे 4, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 6795, तो 0.9567। समझ में आ गई बात? ये वाला खुद से करके बताओ, चलो क्या करना पड़ेगा इसमें, समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या क्या 20 क्यों? 60 का डबल भी मिल रहा है अपने को, 125 है ना, 120 बोले तो 2 डिग्री हो जाएगा, 27 डिग्री और 5 मिनट। चलो इसको करके बताओ जल्दी से, तो आपका पहले तो ये कन्वर्जन हो जाएगा 27 डिग्री 5 मिनट। चलिए इसको करिए, ठीक है? ये समझ लिया सबने? अभी इसका उल्टा सीखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स। अभी रुक जाओ, पेज मत पलटो, क्यों मालूम है? साइन इनवर्स भी इसी टेबल में ढूंढना है अपने को, बताएंगे जैसा हमने अभी ऐसा देखा ना, अब उल्टा ढूंढने का, नंबर दिया जाएगा और उसको नंबर को ढूंढ के फिर टेबल में नंबर ढूंढना है, और फिर उससे डिग्री और मिनट निकालना है, ठीक है? तो आसान है, कोई अभी आप लोग ने सीधा सीख लिया, अब उसको उल्टा सीखना है, ठीक है? तो जो मेरे यहां पर आंसर्स आए हैं वही मेरे अभी अगले सवाल होने वाले, ठीक है? चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है
साइन इनवर्स, ये कर लिया सबने, जल्दी करो सब। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स। अब मेरा पहले जो इसमें आंसर आ रहा था वही मेरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन कैसे होगा देखो जरा, साइन इनवर्स ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखा जाता है, और इसको पढ़ेंगे क्या, साइन -1 को क्या पढ़ते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं। किया होगा ना कभी ऐसा, नहीं किया है? अभी याद रखो, इनवर्स उल्टा, जैसे कोई भी चीज़ हो 1/x है ना, तो अगर मैं एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, एक्स रेस टू, तो इसको एक्स इनवर्स पढ़ा जाता है, तो -1 को इनवर्स कहा जाता है, इनवर्स मतलब उल्टा होता है ना, समझ गए ना। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.500, इसका आंसर एंगल में क्या आएगा, एंगल भी हम लोग डिग्री बात करेंगे यहां पर, हाँ 30 डिग्री, खत्म। क्या किया आपने, आपने इस नंबर को ढूंढा, तो टेबल में जाओ, जीरो पहले फाइव नंबर ढूंढने का, पहले क्या नंबर ढूंढोगे, अभी और भी डिजिट रहेगा ना, तो पहले आप ये ढूंढना, फिर उसके बाद ये वाला मैच करना, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरीके से। और अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे चारों डिजिट मैच नहीं होते, जैसे 0.5000 डायरेक्ट मिल गया अपने को, उसकी लाइन में आया कितना डिग्री है, देखो आपने नंबर डायरेक्ट ढूंढना है, टेबल में देखो 0.5000 मिला कि नहीं आपको, मिला। अच्छा तो आपको इसका मिनट कितना है, 0 मिनट। अच्छा डिग्री कितना है, हो गया आंसर, तो 30 डिग्री, 0 मिनट। अब 0 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। साइन इनवर्स ऑफ, देखो मैं बता रहा हूं क्या है ये, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारा कुछ नंबर आएगा, और ये नंबर को मैं एक्स ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। अब ये साइन अगर उधर जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ साइन का पावर कितना है, साइन का पावर है 1, साइन का पावर कितना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्टली एंगल आएगा ना, तो हमको क्या मिला, सिर्फ एंगल मिला, नहीं समझे बात को, बत्ती गुल हो रही है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ एनी एंगल लूंगा तो कुछ नंबर मिल रहा था अभी इससे पहले, ठीक है। अब अगर मैं उस नंबर का साइन इनवर्स देखूंगा तो मुझे फिर से क्या मिलना चाहिए, एंगल मिलना चाहिए। तो देखो ना मैथमेटिकली, साइन इनवर्स ऑफ एनी नंबर आपको क्या मिलने वाला, थीटा, तो डायरेक्टली मुझे थीटा मिल रहा है 30 डिग्री। नहीं समझे बात को, जैसे वो सवाल पूछ रहे थे कि साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन 30 आएगा, नहीं, क्योंकि साइन 30 तो 0.5 होता है ना, तो सिर्फ एंगल आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू एंगल, साइन इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू व्हाट, एंगल, एंगल क्या, थीटा, डिग्री में आएगा टेबल के अकॉर्डिंग। क्लियर है सभी बच्चों को, धीमे धीमे हजम होगा चीजें, ठीक है, यूज टू हो जाएंगे आप। साइन इनवर्स सेकेंड मेरा क्या था जरा बताना, नंबर 84, सही है, ओके। अब इसको कैसे ढूंढेंगे, तो हम लोग सबसे पहले 5 7, देखो 5 ढूंढिए, 5 वाली सीरीज ढूंढो पूरे टेबल में जिसमें पहला नंबर 5 आता हो, फिर 7 ढूंढिए, 5 के साथ में क्या होना चाहिए, 7 वाले नंबर्स, फिर 5 7 तक मिल रहे हैं आपको, ठीक है, 5 7, और उसके बाद 7 9, 8 में अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो ज्यादा चला जा रहा होगा, देखो 5 7 8 9 हो जा रहा है, तो मतलब वो सिलेक्ट नहीं करना है अपने को, 84 से कम सिलेक्ट करना है, या तो उसके बराबर हो, 84 बराबर मिल नहीं रहा है, तो 84 से कम कौन सा मिल रहा है,
579 मिल रहा है, 84 से 5 कम मुझे मिल रहा है, समझ आ रहा है? तो ये नंबर आपके लिए, इसको सिलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने की कमी है, कितना अगर इसमें ऐड करूं, कितना नंबर ऐड करूं, तो ये 5784 बन जाएगा, 5। तो आप मेन डिफरेंस में जाओगे, नीचे लाइन में, इसी की लाइन में 5 नंबर है क्या? ओके, समटाइम नहीं भी मिलता है तो फिर इसके एक ऊपर नीचे वाला सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम मुझे 5 नहीं मिल रहा है, कहीं पर 6 मिल रहा है, 5 है ही नहीं, 6 मिल रहा है, या तो फिर 1 मिल रहा है, तो आप वो नज़दीक वाला जो है वो चूज़ कर लेंगे। ऐसा भी आएगा सिचुएशन, एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो फिर एक ऊपर नीचे वाला सिलेक्ट कर लेने का। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा, समझ आ गई बात? अब उल्टा ढूंढना है मुझे, तो ये कितना मिनट है, 2 मिनट, ये कितना मिनट है, 35, नहीं मिनट, मिनट मिनट बताओ पहले, 5779 मिनट बताओ इसका, 18 मिनट है, ओके। और डिग्री इधर है, ये कितना डिग्री है, कुछ आई बात समझ में? ओके, तो 35 डिग्री हो गया, और 18 और ये 2 कितना हो गया, 20 मिनट। तो आपका आंसर क्या आएगा पता है, 35 डिग्री और 20 मिनट, नहीं आया समझ में ना, आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया, अब ऐसे ही और ट्राई करते हैं। अच्छा, थर्ड वाला जरा बताना मुझे, 0.7304। चलो अब क्या करेंगे, 7304 ढूंढे, 7304 मिल रहा है क्या? पहले 7 नंबर का सीरीज ढूंढो जिसमें पहला नंबर 7 आता हो, फिर 3 वाला मैच करो, सेवन थ्री जीरो टू मिल रहा है, कम मिल रहा है ना? अच्छा, कितने की कमी है, 2 की कमी है, वो मेन डिफरेंस से उठा लो, तो 7302 मिला, मेन डिफरेंस में 2, ठीक है, मेन डिफरेंस में 2 नंबर ढूंढना है। हाँ, उसका मिनट कितना होगा, 1 मिनट, और इसका मिनट कितना होगा, 4 मिनट, 54, ओके, 54 मिनट, और यहां पर जो है आपका डिग्री कितना है, तो हो गया 46 डिग्री 55 मिनट, आ रही बात समझ में? तो 46 डिग्री और 55 मिनट कंप्लीट। किसी को भी डिफिकल्टी नहीं है ना इसका समझने में, आसान चीज है एकदम, पहले से सीख के रखोगे तो धमाल मचा दोगे तुम। चलिए नेक्स्ट बताइए बच्चों, 8387। चलो ए इस नंबर को ढूंढेंगे, 83, पहले 8 वाला सीरीज ढूंढो, 83 भी मिल गया, फिर 87 पूरा मिल रहा है क्या, पूरा मिल गया, ओके, तो मुझे 8387 पूरा मिल गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेन डिफरेंस में जाने का, नहीं। इसका कितना मिनट है बच्चों, 0 मिनट, और कितना डिग्री है, 57 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया 57 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। आप चाहे तो 0 मिनट नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, फिलहाल लिख लो ताकि अपने को चीजें क्लियर रहे। नेक्स्ट नंबर बताइए, 9567। चलिए ढूंढिए इस नंबर को, कितना मिल रहा है,
6 8 मिल रहा है। हाँ तो आप कम वाला पकड़ लो, 6 3, और कितने की कमी हो रही है? 4 की। मेन डिफरेंस में 4 नंबर दिखाई दे रहा है वही लाइन में। हाँ समझा आप, क्या पकड़ेंगे? 9 5। नहीं रुक जा, 9 5 6 3 ढूंढ लिया आपने, ये मिला कि नहीं? अच्छा मीन डिफरेंस में क्या आपको 4 दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ नीचे, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं ज्यादा ढूंढने का नहीं है, वो भी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं ढूंढना है अपने को। या तो एग्जैक्ट आ जाए, या तो फिर अगर एग्जैक्ट नहीं है तो कम, ज्यादा नहीं ढूंढने का याद रखिए, नहीं तो आप बोलोगे मीन डिफरेंस है माइनस करेंगे, वैसा नहीं होगा। 9 5 6 3 और इधर पे कितना आ रहा है? 4। 9 5 6 7 हो जाएगा कि नहीं? ये कितना मिनट हो जाएगा, कितने मिनट में? 4 5 में, और ये वाला 0 में, और ये कितना डिग्री है? तो हो गया आंसर आपका 73 डिग्री, 0 और ये 5 5 मिनट, तो 73 डिग्री और 5 मिनट। खत्म, आखिरी सवाल। लास्ट बताइए। 4 5 5 3। चलो इस नंबर को ढूंढिए फटाफट से। 4 5 5 3 आपको एग्जैक्टली मिला है? नहीं मिला। ज्यादा क्यों ढूंढ रहा है? 4 5 4 0, तो कमी कितने की आ रही है? 13। क्या मेन डिफरेंस में 13 नंबर दिखाई दे रहा है? ओके तो यहां पर आपका 4 5 4 0 ढूंढा आपने, बराबर है? अच्छा और मेन डिफरेंस में 13 नंबर है, इसको ऐड करता हूं मैं तो बन जाएगा ना हमारा जो चाहिए। तो आप देखिए ये 13 कितने पर आ रहा है? 5 मिनट पे, ये 0 मिनट पे, और 27 डिग्री। तो हो गया आंसर 27 डिग्री 5 मिनट। तो मेरे ख्याल से ये इसका इन्वर्स भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है कर लिया सबने? ठीक है तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों नेचुरल टेंजेंट। ठीक है आपके लॉग बुक में देखो नेचुरल टेंजेंट आपको हेडिंग दिखाई देगा, मिला? ऐसी देखना है जैसे हम लोग अभी साइन का देख रहे थे वैसे ही देखना है, बस इसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा सेम एकदम सिमिलर है, बस इसमें एक चीज आप क्या देखोगे कि इसमें ना जो आंसर आएगा आपका कोई एंगल जब आप चेक करते हो तो 1 पॉइंट भी मिल सकता है, 1 से ग्रेटर भी आ सकते हैं, 0 पॉइंट में भी मिलेगा आपको। फिर आगे बढ़ते जाओगे नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट कॉलम में देखना 0 वाले कॉलम में, नहीं दिख रहा है ना? और लास्ट लास्ट में आप देखो मीन डिफरेंस गायब भी हो गया, तो वहां नहीं देखने का जहां पर अपन वहां पहुंचेंगे तो। ठीक है चलो यहां पर कोई नंबर ले लेता हूं, पहले नोन टू अननोन जाते हैं। 10 में कोई वैल्यू आपको पता है? 10 45 वन होता है, मालूम है ना सबको? चलो 10 45 चेक करते हैं। 10 45 डिग्री और मिनट क्या होगा? 0 मिनट। फिलहाल 0 मिनट भी लिख दे रहा हूं मैं आपको। तो आप जो है ना सिंपल जैसे हम लोग साइन देखते थे वैसे देखो, 45 डिग्री फर्स्ट कॉलम में देखो, उसके 0 मिनट में अब 1.0000 का क्या मतलब है? 1 ही तो होता है ना, तो ये नोन अपने को जो वैल्यू पता थी मतलब नेचुरल टेंजेंट ये सही वैल्यू बता रहा है ना, जिसने टेबल बनाया वो सही बता रहा है। ठीक आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 45 डिग्री, और अगर मैं आपको
47 मिनट बोल दूं तो आप कैसे देखोगे? क्या क्या? ओके तो 47 अपने को मिनट में देखो मिडिल कॉलम में डायरेक्ट नहीं मिल रहा होगा, 42 मिल रहा है। सारे मिनट ना 6 के मल्टीपल में मिलेंगे आपको, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ऐसे मिलेगा। हाँ तो 42 देखोगे और कितना कम पड़ गया, 5, तो मेन डिफरेंस में 5 देख लोगे। तो यहां पर आपका 45 डिग्री में 42 मिनट के नीचे और मेन डिफरेंस में 5 के नीचे। चलो क्या नंबर है बच्चों, 0990 और यहां कितना है 32, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं यहां पर तो 23 और ये कितना हो जाएगा 3912, सही है ना? यहां कितना इधर पे 5 मिनट में 45 डिग्री। अरे मेरे भाई सुनो सुनो सुनो, 45 डिग्री, डिग्री इधर 45 डिग्री देखने का, 47 मिनट में 47 मिनट डायरेक्ट मिलेगा नहीं मिडिल कॉलम में, 42 और ये 5 कितना होता है, ये कितना है, सही है? अच्छा इधर कितना है 32 सिर्फ 30। ओके ए बकवास नहीं, ऐड कर लो उसको, 40 और 30 70, 77 हो जाएगा, यानी 0277 हो जाएगा। अच्छा अब ये पॉइंट किधर आएगा कैसे पता चलेगा, इस लाइन में पहले कॉलम में देखो नंबर कैसे लिखा हुआ है, 1 पॉइंट लिखा हुआ है ना, हाँ ये बात का ख्याल रखना अपने को, आई बात समझ में? तो देखो ये 1 से एक्सीड कर सकता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले ये देखना सीखा क्या, 45 डिग्री का 47 कैसे किया अपन ने, 45 डिग्री तो मिल गया मुझे, 47 मिल रहा है क्या मिडिल कॉलम में, नहीं तो उससे कम कोई मिल रहा है, जस्ट बिलो 42 मिल रहा है, तो 42 और 5 तो कितना होता है 47 होता है ना, तो ऐसे ब्रेक करके दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा 0277, कितना मिला इतना सिर्फ 0277। अब ये 1 पॉइंट कहां से आया, तो आप इसी लाइन में फर्स्ट कॉलम जो है ना जीरो वाला उसमें देखो कैसे लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट, तो ये नंबर जितने भी होंगे उनमें पहले क्या होगा 1 पॉइंट आएगा, आया समझ में? बत्ती गुलोरी समझ गया ना ये कैसे आ रहा है, साइन वाले में 1 पॉइंट हो ही नहीं सकता है नंबर के पहले 1, क्योंकि 1 से एक्सीड करेगा ही नहीं, साइन 91 होता है, समझ आ रहा है? उसके कोई भी एंगल लोगे ना तो वो प्लस 1 और माइनस 1 के बीच में ही रहेगा, यानी 1 से एक्सीड नहीं करता है, तो अगर 1 से ग्रेटर आप लिख रहे हो तो गलत है वो साइन में और कोसाइन में, लेकिन टेंजेंट जो है ना वो 1 से एक्सीड करता है, देख रहे हो आप 1 पॉइंट कितना आ रहा है। ओके तो आपका आंसर कितना आ गया 1.0277, क्लियर है? चलो नेक्स्ट करें, धीमे धीमे आ जाएगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं 45 से थोड़ा कम नंबर लेके देखता हूं तो ये वाला भी आपको पता चल जाए। चलो इसको कैसे देखेंगे बताओ, 30 डिग्री 25 मिनट कैसे देखें, 30 वाली लाइन पकड़ लोगे, 25 मिनट है क्या मिडिल कॉलम में, 24 होगा 6 का मल्टीपल रहता है ना, और मेन डिफरेंस में कितना देखेंगे 1, तो 30 डिग्री 24 के नीचे और फिर 1 के नीचे, बोलो बच्चों कितना आ रहा है 58 और 1 मिनट के नीचे 4, तो ये कितना हो जाएगा 71 आ जाएगा। अच्छा अभी पॉइंट कहां लगेगा कैसे पता चलेगा, इसकी लाइन में फर्स्ट कॉलम में जीरो वाले कॉलम में आ जाओ तो 0 पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 0, खत्म हो गया है ना, समझ आ गया ना कैसे करना, बस 0.58
7 1। मिटा दें अभी इसको। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ एग्जांपल जरा चेक करते हैं। टेंजेंट ऑफ, अब मैं फिर से 45 के प्लस जाता हूँ ये सारे नंबर में, ठीक है, 60 डिग्री और 20 मिनट। चलो बताइए बच्चों, 60 डिग्री 20 मिनट। पूरा फाइनल आंसर क्या है? 1 पॉइंट आ रहा है। 1 पॉइंट कैसे ढूंढा, समझ में आ रहा है? चलो 1 पॉइंट सबका यही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो डायरेक्ट मिल गया होगा, 78 डिग्री में 18 नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, मेन डिफरेंस में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको इधर पे। 8 2 और पॉइंट क्या होगा, कैसे पता चला, है ना, जीरो वाला कॉलम देखा उसे पता चला। चलो इसको कैसे देखेंगे, 56 डिग्री, 54 देखेंगे, वेरी गुड, और उसके बाद 60। चलो खैर आगे बढ़े। हाँ, इसका भी इन्वर्स करना है, ये सब काम आने वाला है अपने को पूरे फिजिक्स के अंदर। चलो अभी ये क्वेश्चन बताना मेरे को, हाँ इसका उल्टा ही करना है अपने को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टेंजेंट इन्वर्स या टैन इन्वर्स भी इसको शॉर्ट में बोलेंगे, टेंजेंट इन्वर्स। चलो टेन इनवर्स, पहला हमारा आंसर क्या था जरा बताइए। हाँ सिर्फ वन था, 1.00 ऐसे लिख देता हूँ। तो आपको ये नंबर ढूंढना है, उसके अंदर मिल गया सीधा कितने पर, कितना डिग्री, 45 डिग्री और 0 मिनट। तो फिलहाल लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं आप, सेकंड 1.02 77 मिल गया। ठीक है, क्लियर है, आप ये नंबर ढूंढिए जरा। पहले तो 1 पॉइंट ढूंढने का, इसमें हमेशा क्या ढूंढने का, 1 पॉइंट फिर 0 2, पहले 1 ढूंढो, 1 वाला सीरीज ढूंढो 0 वाले कॉलम में, मिला बच्चों? ढूंढना कैसे, देखो लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, पहले ये ढूंढो 1 पॉइंट, फिर उसके बाद ये मैच करो 0 2, मिला, फिर उसके बाद के ये दो डिजिट मैच करने का 4 7, उसके बाद वाला नंबर कितना हो रहा है, 77 से ज्यादा हो जा रहा है, 83 हो जा रहा है, तो फिर वही मिला मेरा नंबर है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमको कितना नंबर मिला, 1.0247 मिला। तो अभी कमी कितने चीज की है बच्चों, कितने नंबर की कमी है, 30 की कमी है, तो मतलब 30 कहां ढूंढना पड़ेगा अपने को,
अब मीन डिफरेंस में देखो 30 मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना, तो इन दोनों को ऐड करके ये नंबर मिल जाएगा ना, तो मतलब ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, 30 कितने मिनट पर है और ये नंबर कितने मिनट पर है बच्चों, 42। तो 42 मिनट और ये 5 मिनट, 47 मिनट हो जाएगा, और ये कितना डिग्री पर है, 45। तो हो गया आंसर 45 डिग्री, और इन दोनों को मिलाया तो 47 मिनट। किसी को कोई दिक्कत है, 45 डिग्री 47 मिनट। थर्ड, चलिए नंबर बताइए, 5871। चलिए ढूंढिए भाई, जीरो पॉइंट वाला पहले ढूंढो कॉलम, जीरो पॉइंट वाला। देखो ये हो सकता है नंबर आपको वन पॉइंट वाले में भी मिल जाए, हाँ, तो सबसे पहले तो जीरो पॉइंट ढूंढो, फर्स्ट कॉलम जो आपका जीरो वाला कॉलम है ना, जीरो पॉइंट वाला होना चाहिए, फिर 58 मैच करो, हाँ, और उसके बाद वाला नंबर 71 से ज्यादा है तो आप यही चूज करोगे, जस्ट बिलो, तो आपको मिल गया 58 5867। कितने की कमी है बच्चों, चार की कमी है, तो चार आपको कहां मिल जाएगा, मीन डिफरेंस के अंदर, तो वहां पर है 1 मिनट में मिला, और ये कितने मिनट में मिला, हाँ 24 में मिला, 24 मिनट और 1 मिनट 25 मिनट हो जाएगा, और ये डिग्री कितना है बच्चों, 30 डिग्री, तो हो गया हमारा 30 डिग्री 25 मिनट, खत्म। चलो टेन इनवर्स, अगला सवाल बताइए, बोलो, तुम लोग बोलते रह जाओगे मेरे को यहाँ से। 1.7556। चलो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे आप, 1 पॉइंट्स का सीरीज देखोगे ना, 1.7 दिखाई दे रहा है आपको, 1.75, फिर लास्ट के दो डिजिट 56 है, 56 से 32, उसके बाद वाला नंबर कितना जा रहा है, तो 56 क्रॉस कर जा रहा है, तो वो नहीं लेंगे अपन, 32 वाला सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका 7 5 7 5 3 2। अच्छा 1 पॉइंट मत लिखो अभी, नहीं तो फिर आप ऐड करते वक्त गलत कर दोगे, चार डिजिट यही वाला लेना, 7 5 5 सॉरी 7 5 3 2। कितने की कमी दिखाई दे रही है आपको, 24, क्या आपको मेन डिफरेंस में 24 नंबर दिखाई दे रहा है, 2 मिनट पे, तो यहां पर हो गया ये 2 मिनट, ये 18, तो ये कितना हो गया 20 मिनट, और ये 60, तो 60 डिग्री और 18 प्लस 2 20 मिनट हो गया आंसर, 60 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, चलो टेन इनवर्स 4.8288। चलिए अभी 4 पॉइंट वाला सीरीज जरा चेक करें, 4 पॉइंट, उसमें 82 मिला, 88 डायरेक्ट मिल गया पूरा, ओके, तो आपको 8288 पूरा मिल गया 4 पॉइंट वाले सीरीज के अंदर। ठीक है, अच्छा इधर बताइए, 18 मिनट और उधर तो है ही नहीं, तो यहां पर 78 डिग्री 18 मिनट पूरा मिल चुका अपने को। ठीक है, तो 78 डिग्री और 18 मिनट खत्म। चलो चलो बच्चों, 1 पॉइंट वाले सीरीज में आपको ढूंढना है 5369। अभी 69 एग्जैक्टली मिल रहा है क्या पूरा, नहीं,
4-0 मिल रहा है। उसके बाद वाला नंबर कितना मिल रहा है? नहीं, नेक्स्ट नंबर कितने का मिल रहा है? 9-9, तो 69 के बहुत ही ऊपर चला गया। तो कौन सा चूज करेंगे? 5-3 कितना था रे भाई? 5-3, 4-0। ठीक है, कमी कितने की है? 29 की। तो मीन डिफरेंस में क्या 29 दिख रहा है एग्जैक्टली? ओके, मिल गया। तो यहाँ पर कितने मिनट में मिल रहा है ये? 3 मिनट में मिला, और ये 54 मिनट में मिला, और डिग्री 56। 54 और ये 357 मिनट हो जाएगा, 56 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, तो हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। अभी चलते हैं, इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है, अगला टॉपिक लिख लीजिए। नेचुरल कोसाइन। चलो, कॉस। अच्छा, कॉस में कोई वैल्यू आपको पता है? कॉस 0 क्या होता है? ये सभी बच्चों को मालूम है। हाँ, अब 0.00000 देखोगे तो 1 मिल जाएगा आपको। 0 डिग्री कितना है आंसर? फर्स्ट कॉलम में देखो, 1.0000। ठीक है, वाला ले लूँ या इसके अलावा और कोई पता है? साइन 90 होता है, कॉस 90 होता है, सॉरी। हाँ, तो वो नहीं करना है। सुनो, कॉस एक काम करो, 60 पता है आपको? कॉस 60 कितना होता है? 0.5 होता है, 1/2 होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 30 किया था ना अभी, भूल गए तुम लोग ट्रिक को। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 60 भी 1/2 होता है। भरोसा कर लो, कॉस 60। तो यहां पर जो है ना, अभी टेबल में देखकर हम लोग चेक कर लेंगे ना। कॉस 60 का आंसर आपको मालूम है कि 1/2 आता है। अभी हम लोग टेबल चेक करते हैं। कॉस 60 डिग्री, कॉस वाले में 60 डिग्री, और 0 मिनट चेक करो बच्चों, कितना आ रहा है यहां पर? 0.5000। क्या है ये, कितना नंबर है? हाफ ही तो है ना, मतलब ये टेबल सही है, हम लोग और वैल्यूज देख सकते हैं। चलो, कॉस 60 डिग्री 25 मिनट करिए। कैसे देखोगे? 24 और फिर 1। हाँ, अब इंपॉर्टेंट ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, 60 डिग्री में, 60 डिग्री और 24 मिनट में आपको कितना नंबर मिला बच्चों? और फिर 1 मिनट में 49, इधर कितना मिला? और इधर कितना मिल रहा है? 3। तो आप इधर पे माइनस कर दोगे, माइनस करना है 4936। कुछ आया समझ में? पॉइंट कैसे लगेगा? फर्स्ट 0 वाले में देख लो, कॉस में वैसे भी 0 पॉइंट में रहेगा आंसर। तो ये कितना होने वाला है? 0.4936। अंडरस्टूड? आसान है, बस क्या डिफरेंस है? सब्ट्रैक्ट करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आप देख, कैसा है कि फ्लो में आप ऐड कर लेते हो, क्योंकि ज्यादातर केस में आपको ऐड करना है। तो कॉस वाले में स्पेशली आप याद रखिए कि क्या करना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेता हूं मैं, कॉस 78 डिग्री, 21 मिनट, 39 मिनट। चलो क्या करना पड़ेगा, 78 डिग्री की लाइन में कितना मिनट लूँ, यहाँ पर 39 में से 36 मिल लेना पड़ेगा, कितना 36, तो 36 के नीचे आते हैं, कितना नंबर है, 1977, और 3 मिनट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1968। सही है। अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा, कहानी खत्म। पॉइंट कैसे लगा रहा हूं, फिर से उस लाइन में फर्स्ट कॉलम में आने का, देख लेने का क्या लिखा हुआ है, पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट लिखा हुआ ना, ये 0 पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब 0 पॉइंट है वो। अगर कुछ नंबर होता तो 1 पॉइंट होता, 2 पॉइंट होता, 3 पॉइंट होता, जैसे कि आपने 10 में देखा। नेक्स्ट करें बच्चों। चलो अभी ये चौथा पांचवा ये खुद से करके बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट फटाफट। कॉस 78, चलो जल्दी से करके बताओ। चलो देखते हैं ये कौन करके बताता है, डू इट बस। चलो आंसर बताएंगे, सभी का आ गया कि किसी का बचा है, अभी क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। आंसर बताओ, चलो 5859 50, सबका यही आ रहा है, ओके। इसका बताओ, एक जन बोलो ना कोई, 955, सबका यही आ रहा है। इसका बताओ, 30। अब आंसर देखो, सबका यही आ रहा है तो सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, अभी इनवर्स। कोसाइन इनवर्स, ठीक है। चलिए तो कॉस इनवर्स में फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, पहला वाला हमारा क्या क्वेश्चन था, 0 पॉइंट, तो कॉस इनवर्स, चलो इस नंबर को ढूंढिए डायरेक्ट, मिल गया 0.5000, डायरेक्ट मिल गया होगा, कहाँ मिला, 60 डिग्री और 0 मिनट में, है ना। तो यहां पर डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 60 डिग्री और 0 मिनट, आप 0 मिनट नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। चलो नेक्स्ट, जीरो पॉइंट 4936। चलो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये नंबर अपने को ढूंढना है, अगर ये नहीं मिला तो कॉस में आप इससे कम ढूंढोगे या इससे ज्यादा, कौन सा सिलेक्ट करें, ज्यादा क्यों सिलेक्ट करेंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके तो 4936 नहीं मिल रहा होगा ना आपको, क्या मिल रहा है टेबल में देखिए, नंबर ढूंढना है बच्चों आपको, इसकी हैबिट होना चाहिए, 4935।
39, और उससे कम भी मिल रहा होगा आपको, 4924 मिल रहा है। तो कम सेलेक्ट करेंगे, ज्यादा ज्यादा, रीजन ये है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 4939 सेलेक्ट कर लिया हमने, इसमें से कितना निकालूंगा तो हमारा आंसर आएगा बच्चों, 3 माइनस करूंगा तो 3 आपको मीन डिफरेंस में दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो ये आपको मिल रहा है 1 मिनट में, और ये मिल रहा है 24 मिनट में। तो ये दोनों माइनस करके कितना आएगा, 4936 आ जाएगा, जो कि हमारा नंबर है। अच्छा, नंबर ये माइनस होते हैं लेकिन ये तो ऐड ही होगा, इस बात को ध्यान रखना, इसको भी सब्ट्रैक्ट मत करना। 24 माइनस 1 23 मिनट कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप याद करो हमने इसको देखा कैसे था, ये इसका क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो 25 मिनट था, हमने 24 में देखा, फिर 1 में देखा, नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, 25 को ही स्प्लिट किया था ना, मतलब ये वापस रिवर्स जाएगा तो वापस 25 होना चाहिए, 25 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो मिनट हमेशा ऐड हो। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना बच्चों, 60 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट। नाइन सिक्स एट। चले 1968, 1968 मिल रहा है एग्जैक्टली, कम या ज्यादा, 1977 आपने चूज किया, बराबर। अच्छा, इसमें से कितना निकाल देंगे तो 68 आएगा, 9, तो -9 आपको मेन डिफरेंस में 9 दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये 3 मिनट में दिखाई दे रहा, और ये 36 मिनट में, मतलब ये दोनों हम लोग मिलाएंगे ना, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1968 आ जाएगा, और इन दोनों को मिलाएंगे 39 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री कितना है बच्चों इसका, 78 डिग्री, और इन दोनों को मिलाने पर 39, तो 78 डिग्री और 39 मिनट। ठीक है, धन धनाधन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये वाले खुद से करके बताइए आप लोग। हाँ, कॉस इनवर्स 0.5950। चलिए इसको खुद से करके बताएंगे, क्रॉस चेक करने के लिए आंसर क्या करेंगे भाई। ये पहला वाला आपका आंसर कितना है, 53 डिग्री 29 मिनट आया, ये वाला 17 डिग्री 5 मिनट, फिर कितना आया, 72 डिग्री 2 मिनट। चलो ये आ गया आपका 53 डिग्री 29 मिनट, सही है, और 17572, 17572। ठीक है, आया ना सबका। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम लोग यूज करने वाले हैं, आगे चल के फिजिक्स में काम आएगा अपने को, उसका इन्वर्स भी देख लिया और नेचुरल साइन को साइन और टेंजेंट भी देख लिए। आप बचता है हमारे पास एक पॉइंट शिफ्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए न्यूमेरिकल्स में, इसको आसान करने के लिए क्वेश्चंस, मतलब जो सॉल्यूशन है, तो हम लोग पॉइंट शिफ्टिंग इस्तेमाल किया करते हैं। तो खैर, मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको शुरुआत में लॉग में ही दे चुका हूँ ना, तो पावर वाले में देख चुका हूँ। तो यहाँ पर अपना अगला टॉपिक है बच्चों, पॉइंट शिफ्टिंग।
पॉइंट शिफ्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जो यहाँ पर 10th में पढ़े हैं उनको 10वीं में ही सिखा दिया था मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। अब जैसे देखो हमारे पास कोई नंबर है, ये नंबर है मेरे पास है ना, कोई नंबर है। इसमें कहीं पॉइंट नहीं दिया है, मतलब कहाँ पर है, लास्ट में पॉइंट होता है ना। अब इसको मान लीजिए मुझे 6.9 बनाना है किसी वजह से, ठीक है, तो मैं पॉइंट को 3 पीछे लेता हूँ। कितना पीछे, 3 पीछे। देखो ये मैंने हमने क्या किया, पीछे ही लिया, तो पीछे का पी जो है ना वो याद रखिए प्लस साइन बताना है, पीछे का पी यानी प्लस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले 6942 कर दिया और 10 के पावर में, ठीक है, तो प्लस और 3 पीछे लिया तो 3 आ जाएगा, सिंपल है। अब ऐसे ही अगर आगे लूंगा तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई नंबर ऐसे दिया है 0.06942 और मुझे इसको 6.9 बनाना है, तो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर आगे लेंगे तो याद रखो आगे शिफ्ट करेंगे ए क्या कुछ, आप पीछे यहां पर कोई ऐसे फिट नहीं बैठ रहे चीजें। अब आपको मालूम है पीछे लिया तो प्लस, तो आगे लेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, आगे का ए से कुछ नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो जो लॉजिक चीजें फिट होती है ना वो हर जगह बराबर से फिट नहीं हो पाती है, एक जगह फिट हो गया तो समझ में आ गया ना। तो 6.942 हो जाएगा, 10 का पावर क्या आ जाएगा बच्चों, तो आगे किया तो माइनस, बस ये दो एग्जांपल भी कर लिया तो काफी है। पॉइंट शिफ्टिंग समझ आ गया ना, एक आगे और एक पीछे वाला। अब सिर्फ मैं आपको ये सुनो कुछ नंबर्स और देता हूं जिसको अगेन 6.9 ही बनाना है आपको, हाँ ये सिर्फ आप खुद से कर लेंगे। इसको 6.9 बनाना आपको, हाँ चलिए। जीरो पॉइंट 000642 है, सबको 6.9 बनाओ। क्या हुआ, नहीं हुआ? आज हमारे लॉग बुक की कहानी खत्म कर दूंगा मैं, जितनी भी और अभी बचा है, रेसिप्रोकल बचा हुआ है, स्क्वायर रूट बचा हुआ है। हो गया डन? यहां पर आप आगे करोगे कि पीछे करोगे? आगे किया तो माइनस होगा ना, कितना आगे कर रहे हैं बच्चों, 6.942, 4 आगे किया तो 4 आ गया और आगे किया तो माइनस, इधर पे पीछे का पी प्लस, पीछे का पी 2 पीछे लिया तो खत्म हो गया बात। अंडरस्टूड? हुआ ना, लिख रहे हैं कोई? अभी नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट, बस खत्म। अभी कल से चैप्टर शुरू कर देंगे फिजिक्स का। हाँ नहीं, वो अपने को यूज नहीं है, लोगारिथमिक साइन और लोगारिथमिक कोसाइन यूज नहीं है। वो अपने को यूज नहीं है। नेक्स्ट करें, ओके नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप लोग रेसिप्रोकल।
अच्छा रेसिप्रोकल कैसे हो गए, सम टाइम ना अपने को 1/2 सॉल्व करना होगा, 1/2 कुछ नंबर होगा 3 पॉइंट, ठीक है 1 4 2 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा 1/2 सॉल्व करना है मुझे कितना होता है, तो ये कैसे करेंगे आप? इसका एक मेथड हम लोग लॉग सीखा हुआ है, तो आप 1 का लॉग देखोगे जो कि 0.000 ही आता है, फिर डिवाइड मतलब क्या होता है माइनस, फिर 3.142 का लॉग देखोगे दोनों को माइनस करके एंटी लॉग देखोगे, एक मेथड ये है। और एक डायरेक्ट मेथड है रेसिप्रोकल, कौन सा? अच्छा ठीक है, मैं इसको ना दो दो मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ आपको, एक लॉग वाला भी जो हमने सीख चुके हैं शुरुआत में, ए अपॉन बी नहीं आते, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, डिवाइड का क्या होता है, लॉग क्या करता है डिवाइड को माइनस, तो लॉग ए माइनस लॉग बी दोनों को माइनस करके फिर एंटी लॉग देखते थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ वो वाला मेथड बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला, डिवीजन के अंदर सब्ट्रैक्ट करते थे ना वो, तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों से आंसर निकाल के बताऊंगा। और एक जो है ना रेसिप 1/2 अगर है ना तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल से भी कर सकते हैं आप। आप देखो आपके लॉग बुक में रेसिप्रोकल हेडिंग होगी ऊपर, आगे रेसिप्रोकल मिला, दिखाई दे रहा है? अच्छा इसमें फर्स्ट कॉलम में जरा नंबर देखिए कहां से कहां तक है, हाँ मतलब 1/2 में जो नंबर होगा ना रेसिप्रोकल में, 1/2 में वो नंबर आपका 1 से लेकर 9.9 के बीच में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो बना देंगे, कैसे बनाएंगे, पॉइंट शिफ्ट करके, तो पॉइंट शिफ्टिंग का यूज समझ में आ रहा है? हाँ तो रेसिप्रोकल देखना है अगर आपको टेबल के थ्रू, तो आपके नंबर कहां से कहां लाई करना चाहिए, 1 टू बिटवीन 1 टू 9.9, अगर फॉर एग्जाम्पल 9.9 से ज्यादा है, समझ आ रहा है, 11 12 13 ऐसे चला गया, पॉइंट शिफ्ट कर दो और बीच में लेकर आ जाओ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कम है, 1 से कम है, 0 पॉइंट में है, फिर पॉइंट शिफ्ट कर दो, यानी लेकर आओ 1 टू 9.9 के बीच में, तो वैसे एग्जाम्पल भी दूंगा। फिलहाल ये नंबर देखिए 3.142 जो दिया हुआ, ये ऑलरेडी 1 और 9.9 के बीच में है ना? हाँ अब यहां पर देखें 1/2 में रेसिप्रोकल वाले टेबल में देख रहे हैं, यहां पर लेफ्ट साइड से जो दो डिजिट आप देख रहे हो ये कितना है 3.1, क्या आपको फर्स्ट कॉलम में 3.1 दिखाई दे रहा है, मिडिल कॉलम में 4, मेन डिफरेंस में 2। अच्छा और एक चीज, मेन डिफरेंस पे क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो हमको क्या नंबर मिला 3.1 के 4 में, नंबर देखा तो क्या मिला बच्चों, 3.1 की लाइन में 4 के नीचे क्या नंबर है, कितना, 3185, ओके। और मीन डिफरेंस में 2 में आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 2 मिला, क्या 3185 है ना, 3.1 का 4 में देखो रे भाई, सही है ना? हाँ इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, लिखा है वहां पर सब्ट्रैक्ट, दो जगह ही सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक रेसिप्रोकल और कोसाइन वाले में। हाँ तो 3185 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 3183 हो जाएगा बच्चों, सही है? अच्छा अब सुनो सुनो, इसका फर्स्ट कॉलम में देखो ना क्या लिखा हुआ है, क्या, अरे भाई 3 0 वाले कॉलम में देखो 0 पॉइंट है ना, तो ये जो आंसर हो जाएगा 0.3183 हो जाएगा, समझे? तो मतलब 1/2 ये इसका आंसर ये आएगा, आया समझ में? अभी अगला चेक करते हैं बच्चों हम लोग, क्या 1 किस काम का है, अरे 1/2 मतलब ये अरे अपॉन में है ना, तो जब अपन डिवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। अब मुझे बताओ अगर मैं आपके सामने 1/2 रखता हूं, आपको मालूम है कि 0.5 होता है ना, तो आप रेसिप्रोकल देख रहे हो ना, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन वाला नंबर ही देखना है अपने को। अब मुझे बताओ 2 मतलब 2.000 है कि नहीं, 2.0 का 0 में देख के बताओ क्या आंसर है, 0.5, तो ये इधर लिखा 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 होता मालूम भी है ना आपको,
इसके लिए रेसिप्रोकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई ये टेबल सही बता रहा है नहीं बता रहा है, बता रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अभी आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ अभी क्या करूंगा, डेसिमल चेंज करूंगा। जैसे ये अगर 31.42 आ गया, ऐसे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो पहले ये 31 है बच्चों, ये मेरे रेंज में नहीं आ रहा है, क्या करना पड़ेगा? आप पीछे करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, या आप डिसाइड करो। पीछे करूंगा, अगर मैं आगे करूंगा तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। मुझे रेंज में लाने के लिए एक पीछे दो पीछे, एक पीछे लाऊंगा तो ये 3.1 हो जाएगा। तो मतलब पहला स्टेप आपका पॉइंट शिफ्टिंग होगा, जो कि 3.142 हो गया। अच्छा, 10 का पावर बताएंगे, एक पीछे प्लस वन है ना, सही है। अच्छा, 10^+1 को ऊपर भेज दो, बोलो बोलो, 10^ क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या ये हम लोग ने सॉल्व नहीं किया रेसिप्रोकल देख के? जैसे हम लोग देख रहे 3.1 का 4 और 2 में आंसर कितना आ रहा था, और 10 का पावर कितना हो गया बच्चों, -1, समझे? तो आंसर बस वही आ रहा है, लेकिन 10 का पावर -1 भी आ रहा है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो पॉइंट एक पीछे लूंगा तो +1 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको फर्दर अगर मैं इधर कुछ नहीं है, मतलब एक जीरो कंसिडर कर लो, और पॉइंट को अगर मैं एक पीछे ले लिया तो इधर पे भी जीरो जीरो ही होगा ना। वन के अलावा कुछ हुआ तो आपको लॉग इस्तेमाल करो ना, ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग, फिर एंटी लॉग कर चुके ना वैसा तो, ए अपॉन बी वाला। नहीं समझ रहे हैं ये कौन सा केस चल रहा है, ऊपर 1 अपॉन कुछ नंबर रहा तो इसे सॉल्व करने का। ठीक, अच्छा, पॉइंट एक पीछे लिया तो क्या हो जाएगा, +1, और यहां पर ऑलरेडी कितना है, ये क्या हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर फिर ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टूड? अभी जरा ये वाला चेक करके बताओ, ये करके बता सकते हो, 1 अपॉन 0.3142, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। पॉइंट को आपकी बार कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, आगे, और आगे करूंगा तो क्या होगा, 10 का पावर। तो पहला स्टेप आपका कुछ ऐसे होगा, 3.142 करोगे ना? हाँ चलो करो, इतना कर दिया मैंने। पहले तुम्हारा ये 10^-1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसका आंसर तो हमने निकाला है 0.3183, ×10 करेंगे तो 3 पॉइंट हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है आपका 3.183 आएगा। ठीक है, बस अभी एक टॉपिक बचा है, स्क्वायर रूट। एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं, इसको करके बताइए आप, थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ेगा, नंबर चेंज कर रहा हूं मैं। चलो पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा इस नंबर में भी, ज्यादा है ना तो कम करना पड़ेगा, एक शिफ्ट कर दूंगा पीछे, करो जल्दी से। चलो चलो आगे बढ़ जाएं, क्या आंसर आ रहा है इसका, 7-3, सबका यही आ रहा है, बाकी बच्चों का आया? ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मिला आपको? अच्छा, स्क्वायर रूट का भी दो टेबल है, एक में देखो ब्रैकेट में आपको क्या लिखा हुआ है, 1 to 10। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर 1 से 10 के बीच में हुआ तो ये वाला टेबल देखोगे, अगर 10 से 100 के बीच में हुआ तो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, देख रहे हैं?
तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए बच्चों, नेक्स्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट का मैंने और क्या बताया था, क्या पावर होता है स्क्वायर रूट? 1/2। याद करो, 1/2 हम लोगों ने लॉग से भी सॉल्व किया हुआ है ना? तो आप लॉग से भी कर सकते हो स्क्वायर रूट, और अगर आपके पास लॉग बुक रहेगी तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो विदाउट यूजिंग लोगारिथम। तो जैसे कोई नंबर आपको पता है जिसका स्क्वायर रूट मालूम हो? 25 का 5 होता है, पता है आपको? और कोई ऐसा 4 डिजिट वाला पॉइंट वाला नंबर बताओ, ये सॉरी नहीं, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका पॉइंट में नंबर आता हो। जैसे 2 का स्क्वायर रूट पता है क्या सबको? हाँ। और 3 का स्क्वायर रूट 1.732 है ना? ठीक है, तो अब ये जो नोन है, नोन टू अननोन जाएंगे, पहले नोन वाला चेक करते हैं कि वो टेबल में बराबर आ रहा है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2, 2 मतलब 2.000 है, 2 मतलब क्या है ना? 2 ही है, 2 ही है, तो मैं कहाँ हूं? अच्छा 2, अब देखो आप स्क्वायर रूट का टेबल मुझे बताओ, ये जो 2 नंबर है आपका, ये 2 नंबर है, ये 1 से 10 के बीच में आता है या 10 से 100 के बीच में आता है? तो स्क्वायर रूट का वो टेबल देखेंगे जहां पर ब्रैकेट में लिखा है 1 to 10। फर्स्ट कॉलम में आप 2.0 ढूंढिए, मिला, उसका 0 में देखिए क्या नंबर है, हो गया समझ में आ गया? अच्छा अब मैं कुछ और नंबर ले लेता हूं, 2.,, ठीक है, 241 ले लेता हूं, 2.241 ले लेता हूं। आप कैसे चेक करेंगे इसका? 2.2 फर्स्ट कॉलम में क्या देखोगे? 2.2। उसका 4 के नीचे क्या नंबर है बच्चों? ये पूरा नंबर डायरेक्ट दिया होता है, इसमें पॉइंट वॉइंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1.497 है, बस 497 तक ही है। अच्छा, और मीन डिफरेंस 1 में 0 है। अच्छा, इसके अंदर देखो ऊपर सब्ट्रैक वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो मतलब ऐड ही करना होता है, तो अभी 0 दिया है तो ऐड करूंगा तो 1.497 ही आएगा। कुछ आई बात समझ में? अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर 2.2 वाला ही लेता हूं, 2.248 ले लेता हूं। ठीक है, तो मीन डिफरेंस में मुझे अभी 8 देखना पड़ेगा, 8 के नीचे कितना नंबर है बच्चों? 3 है। कितना आएगा आंसर? हाँ, अब आप लोग क्या 3 इस 1 में ऐड मत करना, 497 में ऐड होगा ये, 497 और 3 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना, 497 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो ये बेसिकली ऐड करके कितना आएगा? 1.5। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये 3 है तो 3 और ये 1, 4.497 होना चाहिए। नहीं, क्या क्या 0.3 है, मतलब ये 3 यहां ऐड होगा, 0.003 लास्ट डिजिट में ऐड होगा, याद रखना। किधर ऐड होगा? तो एग्जैक्ट में जो यहां पर 3 देख रहे हो, एक्चुअल में 0.003 है जो यहां पर ऐड होगा लास्ट डिजिट में, ये बात ध्यान रखना। फिर फाइनल आंसर इज, क्लियर है सभी बच्चों को? अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब मैं नंबर को, नंबर वही रख रहा हूं, नंबर वही रख रहा हूं, लेकिन पॉइंट जो है ना वो अलग अलग शिफ्ट कर देता हूं। ध्यान देंगे सभी बच्चे,
मैं इसको ये नंबर को लिख रहा हूं 224.8। अब 224 मेरा 1 to 10 के बीच में आ रहा है या 10 to 100 के बीच में आ रहा है, तो हम देखें दोनों में ही फिट नहीं बैठ रहा है, पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अब स्क्वायर रूट मतलब कितना पावर होता है, 1/2। पॉइंट शिफ्टिंग आप ऐसे करोगे, पॉइंट शिफ्टिंग आप ऐसे करोगे कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ आप बोलोगे सर मैं अगर एक पीछे कर दूंगा तो 22 हो जाएगा है ना, और क्या नाम है 10 to 100 के बीच में आ जाएगा, तो उधर वाला टेबल देख लेंगे। लेकिन जो 10 का पावर आप बनाओगे एक पीछे करके, वो 2 से डिविजिबल होगा क्या? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप शिफ्टिंग इस हिसाब से करोगे, इतने नंबर में करोगे कि वो फिर जो पावर रहता है उससे डिविजिबल होना चाहिए। जैसे रूट मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट यानी 1/2, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट को 2 पीछे करूंगा, कितना पीछे करूंगा, तो 10 का पावर आने वाला है 2.248 हो जाएगा, 2.248 हो जाएगा। बच्चों 10 का पावर बताओ कितना हो जाएगा, पीछे लिया तो प्लस 2, समझ गए, प्लस 2। ए 10 का पावर 2 का स्क्वायर रूट बाहर कितना आएगा पता है? हाँ 10 रेस टू 2 का बाहर 10 रेस टू 1। अब ना डायरेक्ट याद रखने का सुनो, फॉर एग्जाम्पल 10 रेस टू 4 होता तो बाहर कितना हो जाता, 10 रेस टू 2। 6 होता तो मतलब 2 से डिवाइड कर देने का, या दूसरा मेथड है आधा कर दो, स्क्वायर रूट में ना तो आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 मतलब आधा होता है कि नहीं होता है, 3 नहीं करना है ना अपने को। मैंने क्या बोला कि 10 का पावर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2, ऐसे शिफ्ट करना है, इसलिए तो मैंने बोला कि 3, 1, 5 ऑड नहीं लेकर आएंगे आप। आया समझ में? अच्छा अगर क्यूब रूट का अपने पास टेबल नहीं है, लेकिन अगर क्यूब रूट में करना होता तो मैं पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करता कि वो किससे डिविजिबल होता, 3 से, ऐसा मैंने आपको लॉग वाले में सिखाया, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया बच्चों, 2.248, 10 का पावर ये 2 बाहर चला गया तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या निकल कर आया था बताओ, 1. चुप रहे, ऐसे आ जाएगा है ना। इसको अगर मैं पॉइंट को एक आगे कर देता हूं, पॉइंट एक आगे करूंगा तो क्या होगा, -1 और ये +1, क्या हो जाएगा, कैंसल, और 15 आ जाएगा आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना भी लिखा तो चल जाएगा, या यहां से डायरेक्ट 15 भी लिख दिया तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या पॉइंट शिफ्टिंग से चीजें आनी चाहिए। अच्छा डायरेक्ट 15 आएगा, तेरे को समझाना, ये 10 रेस टू 1 मतलब 10 है ना, 1.5 into 10 करूंगा तो 15 हो जाएगा ना, ये भी नहीं समझा तेरे को, पॉइंट देख ये कैसे कैंसिल होता है, 10 रेस टू 1 है, अगर मैं पॉइंट एक आगे करता हूं तो -1 आएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसलिए लिखो। हाँ तो 225 तो है, देख इसको गौर से, 225, 4.8 कितना है, 225 है अप्रोक्सीमेट, नहीं हाँ तो अप्रोक्सीमेट ही तो दे रहे हैं ना वैल्यू अपने। ठीक है अब थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल क्या है सुनो, अभी तक तो हम लोग 1 to 10 के बीच में ही आ रहे थे, ऐसे नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, ये भी बात समझ में आ रहा है, और इवन में करना पड़ेगा, ये भी समझ आ रहा है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, कितना करें। हाँ बोले सर इवन में तो 4 भी कर सकते हैं अपन, 4 करोगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा, अपने रेंज में नहीं आएगा, तो आप कितना करोगे, सिर्फ 2 पीछे करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों,
टेन रेस टू पीछे लिया प्लस टू, प्लस टू का बाहर क्या आ जाएगा बच्चों? अब ध्यान रखो हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं देखा है अभी तक, वो टू पॉइंट वाले का देखा था स्क्वायर रूट, 22 का देखा है क्या? अब ये 22 कौन से रेंज में आ रहा है? 10 टू 100 में आ रहा है, तो नेक्स्ट टेबल में देखा जाएगा। 22 का 4 और 8 में, फर्स्ट कॉलम में 22 देखिए, 22 का 4 के नीचे और मीन डिफरेंस में 8 के नीचे कितना नंबर आ रहा है बच्चों? इधर 4 के नीचे 4.733 और यहां हाँ 8 आ रहा है, 8 के नीचे 8 ही आ रहा है। अच्छा तो 83 ये 11 हो जाएगा, देखो लास्ट में ऐड करना बताया मैंने आपको, ठीक है? तो यहां पर आपका 41 आ जाएगा, तो 4.741, तो आपका क्या 4.741 इंटू 10^1, ठीक है? क्या हुआ? हाँ ठीक है, तो इंटू 10 करेंगे आपको ना, पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगा तो माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा? तो 47.41 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अभी मैं, समझ में आ गया क्या? ठीक है, टाइम भी लगभग हो गया, लिखो इसको अच्छे से।